वेलकम बैक एवरी वन, होप यू ऑल आर फाइन। सो आप बहुत जन कमेंट कर रहे थे, प्लीज शो हाउ टू मेक आयरन मैन हेलमेट, लाइक आप ये कैसे बनाते हो, इतनी प्रॉपर मेटेलिक फिनिश कैसे आती है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो ये वाली वीडियो हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम इसे प्रॉपर मेटेलिक लुक देंगे, प्रॉपर कलर करेंगे, और सेकेंड पार्ट में मतलब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम इसको मोटराइज करेंगे, मतलब फेस प्लेट ऊपर नीचे होती है अगर जार्विस चाहते हो तो। सबसे पहले तो हमें एक अच्छी सी 3D फाइल लगेगी हेलमेट की, बहुत सारी फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे, इनफैक्ट ये वाली भी फ्री ही है। यू कैन गेट दिस फाइल बाय लेव 3D फ्रॉम इंस्टाग्राम, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये वाला जो हेलमेट है ये पेड है, यू कैन गेट दिस वन टू फ्रॉम इंस्टाग्राम और Etsy, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बस हमें ये सारे पार्ट्स प्रिंट करने हैं। अगर आपके पास 3D प्रिंटर है तो परफेक्ट, गो अहेड एंड प्रिंट देम, बट अगर नहीं है तो थैंक्स टू आवर टुडे स्पॉन्सर JLCPCB। आपको बस ये फाइल्स उनकी वेबसाइट पे जाके अपलोड करनी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इमीडिएटली प्राइस भी पता चल जाएगी। एंड देयर 3D प्रिंटिंग सर्विस स्टार्ट फ्रॉम $1। येस, दैट्स वेरी लो, बहुत अफोर्डेबल वेबसाइट है। ये वाला हेलमेट मैंने उसी से ऑर्डर किया था, और इसका मेन एडवांटेज ये है कि आपको सैंडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मतलब हेलमेट आते ही आपको डायरेक्टली कलर करना है हेलमेट पे। येस, दैट्स राइट, बहुत टाइम से होने वाला है आपका अगर इससे वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तो। ऑल्सो इफ यू आर यूजिंग देयर सर्विस फॉर फर्स्ट टाइम देन यू विल गेट $54 ऑफ, दैट्स अमेजिंग। दिस इज़ वॉट यू गेट फ्रॉम JLCPCB। हम जो नॉर्मल 3D प्रिंटर पर प्रिंट करते हैं वहाँ पर हमें सैंडिंग करनी पड़ती है, मतलब ये पूरा स्मूथ करना पड़ता है हेलमेट, बट इट्स नॉट द केस विथ JLCPCB। हम डायरेक्टली कलर अप्लाई कर सकते हैं हेलमेट पर, इट्स वे टू स्मूथ। एंड नाउ इट्स टाइम टू सैंड ऑल द पार्ट्स। अगर आप JLCPCB से पार्ट्स मंगाते हो देन जस्ट स्किप दिस स्टेप, आपको बस डायरेक्टली कलर करना है हेलमेट को। अगर आप FDM प्रिंटर, मतलब ये जो नॉर्मल प्रिंटर में यूज़ करता हूँ उस पर प्रिंट करते हो, तो यू विल हैव टू सैंड ऑल दिस हेलमेट। ये जो लेयर लाइन्स है विजिबल है वो सैंड करनी होगी पूरी, फिर हमें प्राइमर अप्लाई करना है हेलमेट को। सो लेट्स जस्ट सैंड इट। मैं आपके लिए इस हेलमेट की फेस प्लेट सैंड करके दिखा देता हूँ। आई विल बी यूजिंग ऑर्बिटल सैंडर, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो जस्ट यूज दिस 100 ग्रिट सैंड पेपर। लेट्स डू इट। सैंडिंग हो चुकी है एंड यू कैन हियर द वॉइस एज वेल, इतना स्मूथ होना चाहिए। अगर सैंडिंग अच्छी तरह से करोगे तो ही प्रॉपर मेटेलिक लुक आएगा इस तरह। इस हेलमेट को तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सैंडिंग की, सो आप डायरेक्टली कलर करते हैं। ऑल्सो बाय द वे, जिन लोगों को पता नहीं है मैं आयरन मैन सूट बना रहा हूँ फॉर मिथ पैट। ऑल्सो इसकी भी अपडेट वीडियो जल्दी आएगी, सो सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप ये कॉम्प्रेसर वाला एयर ब्रश यूज करने वाले हो तो कार के कलर्स यूज़ करता हूँ मैं, यू कैन गेट देम इन एनी पेंट शॉप, दे विल गिव यू द शेड्स परफेक्टली। और अगर आपके पास ये नहीं है तो यू कैन यूज स्प्रे पेंट्स, दीज आर ऑल द स्प्रे पेंट्स यू आर गोइंग टू नीड। सो लेट्स गेट टू द स्टेप्स। सो सबसे पहले आपको प्राइमर अप्लाई करना है। सो प्राइमर ड्राई होने के बाद हमारा जो मेन हेलमेट है उसके ऊपर बेस कोट आपको लगानी है गोल्डन कलर की, और जो फेस प्लेट है उसके ऊपर ब्लैक या फिर गन मेटल, मतलब जो लोखंड का कलर होता है ना वो। और फिर वो ड्राई होने के बाद हमारा जो मेन हेलमेट है उसके ऊपर रेड कलर अप्लाई करना है, और जो फेस प्लेट है उसके ऊपर गोल्डन कलर। और सब जब ड्राई होगा फिर उसके बाद हम क्लियर कोट अप्लाई करेंगे। स्प्रे पेंट यूज़ कर रहे हो तो लैक पर स्प्रे, देन लेट इट ड्राई फॉर 24 आवर्स, वी आर डन। अगर आप गन से कलर कर रहे हो तो आपको कलर फिल्टर करना पड़ेगा। जस्ट एक कपड़ा अटैच करो रबर से गन के ऊपर और कलर उसके ऊपर डालो, फिर कलर फिल्टर होके नीचे गिरेगा। सो ऐसे ही हमें सारे कलर्स फिल्टर करके ही गन यूज़ करनी है, सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। सो कलरिंग हो चुकी है कंप्लीट, और अगर आप ये सब अच्छी तरह से फॉलो करते हो देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। सो
दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।